तेरे कौन सा रास्ता हूँ नहीं आएगी और मंत्री भी प्यास मैदान देता तुम्हें मंत्री भी प्यास मैदान देता तुम्हें मौत इंद्रेस की बंदूक और बीघड़े में उतर जाए वहां पर हमारे कुछ शिष्य लोग हैं जाकर उन्हें हमारा नाम बताना और उन्हीं के सहारे जाकर महाराज इंद्रेश की जान बचाना जय गुरु जय जय गुरु सेवा में तुम्हारी रक्षा करो इंद्रेश मैं देख रहा हूं कि मौत तेरे सर पर खड़ी है इंद्रेश लेकिन मैं तुझे मरने नहीं दूंगा क्योंकि तेरी मौत मेरा मकसद नहीं है इंद्रेश मैं तो तेरा गरूर तेरा घमंड चीर चीर होते हुए देखना चाहता हूँ तेरा अहंकार शीश अपने चरणों में झुका हुआ देखना चाहता हूँ और अब वो दिन दूर नहीं जबकि तू खुद मेरी पारस मरी को लेकर आएगा और मुझसे अपने किए की माफी मांगेगा जय मां काली जय गुरु शिवाजी रावण बहुत बड़ा गजब हो गया हुजूर आखिर हुआ क्या है भवानी सिंह जो हमारी जेल में सेना पर सरताज बोल था वो हमारी जेल से फरार हो गया है और उसे भगाने वाले दो नकाबपोश पकड़े गए हैं रावण क्या कहा वो दोनों नकाबपोशों ने सेनापति सरताज को हमारी जेल से भगा दिया है उन दोनों को हमारे समक्ष ले आओ हम देखना चाहते हैं है वो कौन हराम चाहते यही दोनों वही ये तो बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है और ये लंबा वाला मोटा वाला है ये साला रंगबाज अगर आप जानना चाहते हैं कि हम लोग कौन हैं, तो सुनो मेरी बात को राजन कि हम लोग कौन हैं? कौन हो तुम तो बेगुनाह के हम दोनों हैं रहनुमा बेगुनाह दोनों हैं रहनुमा साहेब पहचान कर हमको पछताओगे साथ मेरे अगर गुण की गई एक दिन मौत की नींद सो जाओगे जय नरेश इंद्रेश को धमकी देता है कमीने कि अगर तुम्हारे साथ कोई गुस्ताखी हुई तो मैं मौत की नींद सो जाऊंगा भवानी सिंह इनके चेहरे से नकाब हटाओ हम देखना चाहते हैं नकाब के पीछे हराम
राज के बारे में ना थी तुम छोटो जुबान संभाल कर बात करना। देख रहा हूं जो। साले गंदी नाली के कीड़े, तूने मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। मैंने तुझे एक रोटी का सहारा दिया और तूने साले हमारे मान सम्मान स्वाभिमान सबकी धज्जियां उड़ा दी। मुनाचे दिल में तो यही आता है कि हम तुम्हारी गर्दन धड़ से जुदा कर दें। लेकिन पिताजी मैंने इसमें गलती क्या किया है? मैंने तो सिर्फ प्यार किया है पिताजी। बराबर वाले चक्के जाते हैं कबीरा। जिस साला गंदी नाली का कीड़ा पैर का चूता कभी सर का ताज नहीं बनता। तुम्हारों को गिरफ्तार करो और अलग अलग ले जाकर चिंतान में डालता हूं। कल फिर 10 बजे हम इन दोनों को फांसी के फंदे पर लटकाएंगे, क्योंकि इस लड़की ने मेरे मान सम्मान स्वाभिमान को नष्ट किया है, इसलिए हम इसका चेहरा नहीं देखना चाहते। ले जाओ। अगर मैं जानता दोनों के एक एक कमरा बंद करिए, अलग कमरे में बंद करो और एक अंड का ताना और एक बूंद पानी तब तक नहीं देना जब तक हम इन्हें फांसी के फंदे पर न लटका दो। भवानी सिंह, इस समय हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हम चलकर थोड़ा विश्राम करते हैं, क्योंकि जिसकी लड़की ने ऐसा नेक्स्ट काम किया हो उसके बाद के हृदय पर क्या गुजरती है तुम जानते हो। आप तो इतना खुशी हो रहे हो जब पहली बरसात होती मेढक और खिचुआ खुशी। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि जब से हमने महारानी को प्यार के जाल में फंसाया था, रातों दिन यही सोच रहा था कि महाराज के सिर पे एक लड़की है, अगर ये किसी को लेकर के भाग जाए तो हमारा महाराज बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। कहो कुपर कबो दुख मुसीबत पर तो हंसना चाहिए। क्यों? आप कहा था कि महाराज जी के एक बिटिया है, कहो को लेके भाग जाए तो आपका राजा बने सपना पूरा हो जाए। बिल्कुल सपना पूरा हो जाए। खुदा न खाता तुम्हें लगे तुम्हारी एक बहनी है, खुदा न खाता तुम्हें लगे तुम्हारी एक बहनी है, अगर वही का हम भगा ले जाए तो। साले मेरी बहन को गाली दे रहा है। मजाक आ करी थे? ऐसे साले मजाक किया जाता है? अरे नाते रिश्तेदारी में अब हमारे चाचा लागत हो, वह हमारा बुआ लागत है। तो साले अकेले मजाक किया जाता है कि समाज के सामने किया जाता है? और चार मने के सामने मजाक न करब तो काज नहीं, कौन रिश्ता कौन नहीं। चल साले, अरे छोड़िया, ये खबर चल के हम अपनी महारानी को बता रहे हैं। क्या बताऊं, मंत्री जी मुझसे वादा करके गए मेरे बुढ़े भतार को मारने। और महारानी जी, क्या हुआ? अपने राज महल में बहुत बड़ा गजब हो गया है और इसके विषय में तुमको जानकारी नहीं होगी। अरे क्या गजब हो गया? अरे वो जो सेना पर सरताज बंद था वो हमारी जेल से भाग गया है और उसे भगाने वाले कोई दूसरे नहीं है, एक वो पुलिस वाला शरद है और एक आपकी बिटिया राजकुमारी मीनाक्षी है। क्या? मंत्री जी अगर मेरी बेटी भाग गई तो भाग जाने दो। क्यों? कौन सी मेरी सगी बेटिया? लेकिन मंत्री जी आप मुझे बताइए कि जिस काम के लिए मुझसे वादा करके गए थे वो काम पूरा हुआ कि अभी नहीं? कौन सा काम? अरे वही मेरे बुढ़े भतार की मौत। आप बताओ, ये काम तो मैं भूल ही गया था। क्या? लेकिन जिस दिन के लिए मुझे इंतजार था वो आज ही की रात है। हम एक काम करें,
कि आप अपने महाराज के साथ आराम से विश्राम करें और रात के 12 बजे हम आ रहे हैं, महाराज इंद्रेश की गर्दन काट के बाहर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन समय से आना ठीक है। आप चल करके महाराज के साथ आराम कीजिए, मैं आ रहा हूँ। मैंने तुझसे कहा था ना कि परसों की रात तुझे महाराज की शमशीर लेकर के मिलना है। कहाँ है वो शमशीर? ये नहीं। तुम हमारे साथ आओ। महंत लाल जी आप निवासी कुरारी, महंत लाल जी आप निवासी कुरारी, आपके काम पे खुश होकर 21 रुपए आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं। राम सिंह आओ, महाराज के कमरे में छिप जाते हैं। आओ साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी बर्बादी और तबाही का कारण कोई दूसरा नहीं है, और मंत्री भवानी और महारानी पल्लवी है। जिस दिन का हमें इंतजार था आज वो दिन आ गया है। सब लोग बंदूकें तैयार करो, और क्या करना है और कहां चलना है मैं बताता हूं। बोलो सरदार जी, कहां चलना है? और महाराज चैन का और सुना होगा, महाराज चैन का सुना होगा नाम, मेरी कहन को जी मदरी करे चलन।
हमारी इच्छा यही हमारी, और पैदा नाम करो भी माता मानो बात हमारी। नजर नहीं है उज्जैन को चारों तरफ से घेर लो और मिटा दो उस भवानी और नागर पल्लवी को। कहे स्वामी जी, आज हमारे सर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है और ना तो हमें नींद आ रही है ना हमें चैन मिल रहा है, इसलिए हम आपसे कहते हैं आप थोड़ा हमारे सर को दबा दें, हो सकता है कि हमें नींद आ जाए और थोड़ा सा सुकून मिल जाए। महाराज आप चिंता न करें, आज मैं आपका सर ऐसा दबाऊंगी कि जीवन में कभी दोबारा दर्द ही नहीं करेगा। आइए भाई, राम सिंह धीरे से बोलो साले, नहीं तुमको पहले मारूंगा। फिर काट नहीं हो तो हम बता दें आप। नहीं काटूंगा। महारानी को बाहर कर। महारानी जी बाहर आओ। चिल्लाओगे साले तुमको भी मारूंगा। फिर हमको मरियो सारे पारे करियो, अब है भी बता दिया। नहीं करूंगा, जल्दी बाहर कर, हो सकता है कि शमशीर महाराज के बजाय महारानी की लग जाए, तो इशारा से बाहर करो। में साले तुम्हारी याद लगा दूंगा फिर हम। आपे तो कहा था इशारा से। जल्दी से बाहर कर उसे, जल्दी कर साले, नहीं तो राजमाता जैसे बैजंती का फूल बुलाए भाई, और महाराज जैसे बांस कड़ा कड़ा। साले पागल, साले बाहर कर रहे हो कि साले बांस देख रहे हो? सारे पारे को जो भी नहीं कहूंगा, जल्दी बाहर कर, जल्दी बाहर कर साले। नहीं पहले ये बताओ, तुम तो कह रहे थे कि महाराज बूढ़े हो गए हैं और उसी बुढ़ौना के साथ आराम से सो रही हो। अरे मंत्री जी, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो कोई बात समझ नहीं पाती। मैं सरामजादे के पास इसलिए चिपक कर सो रही हूँ कि सरामजादे को किसी बात का शक ना हो। ये साला कहां मर गया आप बताओ। चलिए ठीक है, इसे हटाऊंगी तो हो सकता है महाराज की आंखें खुल भी सकती हैं। नंबर बोलो। ठीक है, इसे भी मार दीजिए। नंबर बोलो। नंबर एक और नंबर दो और अगर तू जानना चाहता तो सुन कि मैं कौन हूं। दुनिया कहे ना
मान और दौलत से खरीदना चाहती हूँ क्या? चोरों डाकों को धन दौलत क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए तो सुनो बोलो। अगर तुम अपने आशिक को अपने सोना बाबू को अगर जिंदा देखना चाहती हो तो हमें वो पारस मणि चाहिए। साथियों लगा निशाना साले पे। नंबर एक तो हट मैं। आपको पारस मणि चाहिए ना? हमें पारस मणि चाहिए। मैं पारस मणि ला कर दे रही हूँ लेकिन मेरे दाढ़ी वाले बाबू को कुछ मत कहना ठीक है? नहीं कहूंगा। मैं जा रही हूँ और पारस मणि ला कर दे रही हूँ। क्या हुआ? अरे इधर आइए आप। अगर मैं इन्हें पारस मणि लाकर नहीं दूंगी तो ये चोर डाकू है आपको जान से खत्म कर देंगे। अगर आपको जान से खत्म कर देंगे तो मुझसे मेरा दाढ़ी वाला बाबू जुदा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? अरे पारस मणि जाने दीजिए, मैं आपको नहीं खोना चाहती ठीक है, लेकिन हमारे जाने के बाद मेरे सोना बाबू को कुछ कहना नहीं ठीक है। मैं उड़ गई और जी गई। एक तो वैसे औरत डरपोक होती है, अगर वो पारस मणि लेकर भी आ गई तो तुम साले ठाकुर भवानी सिंह के हाथों से नहीं पाओगे। ऊंची आवाज में बात कर। ठाकुर के हाथों से साले लीजिए आओ। आपको पारस मणि चाहिए, उस पारस मणि को लीजिए और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जाऊंगा। महारानी पल्लवी और भवानी, पारस मणि हासिल हो गया, इसे लेकर जा रहा हूं लेकिन साथ में महाराज को भी लेकर जा रहा हूं और तेरे ऐसे आराम के लिए महारानी पल्लवी, तेरे ऐसे आराम के लिए इस भवानी सिंह हिजड़े को छोड़ जाता हूं। और भवानी जय राम जी की। भवानी सिंह हिजड़ा खोर, तेरे साले ठाकुर भवानी सिंह को हिजड़ा बोला, हिजड़ा बोला साले मुझे। जानी थे देखा घाथी मुँह का पानी, यही ढंग लतिया के चला गए, बड़े गवर्नर बने। अबे हमेशा रिवॉल्वर में लेकर के चलता था, आज तो महाराज की शमशीर से महाराज को मारना था और रिवॉल्वर अपने कमरे में भुलाया था। अगर पहले आदेश करे हो ना तक्को साले बदबूज भाग थोड़े पाऊं मैं। तो रिवॉल्वर कहाँ थी? या तो मैं जेब में रही है। तो साले पहले कर दिया? और पहले कह दे हम कहे से पक्के चोर हैं, सारे इतने दिन में आए हैं और साले पक्के चोर हैं, इतने दिन में आए का बिना बताए मरी है, जल्दी बताओते जल्दी आपका दे दे। साले दुश्मन लतिया के चला जाए और जब रिवॉल्वर मांग देंगे तब साला रिवॉल्वर देगा। महारानी जी अब बताओ क्या होगा? पारस मणि भी महल से चली गई है, अब क्या होगा? अरे इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये पहली बार मैं धोखा खाया हूँ। आपके पास रिवॉल्वर नहीं थी? इसलिए शराम चादर को पारस मणि ला कर दी हूँ। आप यहाँ से जाइए और अपनी रिवॉल्वर उठाइए और भीमा सिंह अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उस शराम चादर का पीछा करिए और उसे पकड़ कर मेरे पास लाइए।
था। अब देखोगे कि महारानी पल्लवी तुम लोगों को क्या दिखाती है। इसी से कहते हैं एक नार सौ बीमार, एक नार सौ बीमार, कसम उड़ान छल्ले की काया जय गुरु स्वामी। मैं देख रहा है कि डाकू भीमा सिंह इंद्रेश की जान बचाने में कामयाब हो गया है और महाराज इंद्रेश हमारी पारस मणि को लेकर आते हैं। आओ इंद्रेश आओ, तुम्हारा ही इंतजार है। मुनिराज मुझसे अहंकार में बहुत बड़ा अपराध हुआ है और उस पाप के लिए मैं आपके चरणों में गिरकर उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं और आपकी फारिश बड़ी आपको वापस कर देना चाहता हूं मुनिराज। इसलिए आप तो भगवान तुल्य हैं, पापी को माफ कर दीजिए मुनिवर। अपराध क्षमा कर दो मुनिवर, हितकार लगा